असल नाजरीन प्रोग्राम न्यूज़ लाइन विद सऊजफ़र में आपको खुशा मदीद कहते हैं आज हम बात करेंगे मरदम शुमारी के हवाले से जिसका आगाज़ हो चुका है खुदा खुदा करके मुल्क में अब मरदम शुमारी का पहला मरहला शुरू हो चुका है और ये बिलाखिर वक्त आ ही गया उन्नीस साल बाद इस मुल्क में मरदम शुमारी की जा रही है जिसका कराना हर हकूमत पर लाजिम है कि मत पर लाज़िम है कि वो हर साल कराए लेकिन नहीं कराई गई उन्नीस सौ अठानवे के बाद से मुल्क के त्रेसठ अजलाँ हैं जिसमें मरदम शुमारी इसका पहला मरहला शुरू हो चुका है और ये एक महीने तक जारी रहेगा पहला मरहला और दूसरा मरहला वो भी तकरीबन एक माह तक जारी रहेगा जो छठी कौमी मरदम शुमारी है इसमें सुबह सिंध के आठ अजला शामिल हैं पंजाब के सोलह अजला हैं खूनखा के चौदह अजला हैं बलुचि आजाद कश्मीर के पांच और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम ही अजला इसमें शामिल हैं सदरमलिक ममनून हुसैन ने आज कराची में इसका बाकायदा तौर पर अफ्ताह किया मर्दमशुमारी का शुमारी का और आवाम से भी अपील की गई है कि मरदम शुमारी और खाना शुमारी के इस अड़चढ़ कर हिस्सा लें एक और अहम बात सिक्योरिटी फरहम करने के लिए तकरीबन दो लाख फौजी मर्दम शुमारी का हिस्सा हैं और इसके अलावा पुलिस के साथ साथ पाक फ़ौज पाक बहरिया रेंजर्स के अहलकार भी सिक्योरिटी फ़राज़ का हिस्सा हैं और जो मुख्तलफ़ सरकारी महकमे हैं शुमार करने वाले उनके जो अहलकार हैं वो तकरीब एक लाख अठारह हज़ार अफराद पर इनका शुमार होता है और जो ये पहला मरहला है खाना शुमारी और मर्दम शुमारी का इसमें पाक फौज को खसूसी अदालती इख्तारात भी दे दिए गए हैं दूसरी जानब एक और मामला है वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने इस मरदम शुमारी पर अपने अपनी तौर पर सियासी या दीगर हवालों से तहफात का इजहार किया है वह तहफात अदालत में उन्होंने दरखास्तें भी इस हवाले से जमा करा दी हैं जिसमें बलोचस्तान नेशनल पार्टी है और मुतहदा कौमेंट पाकिस्तान भी है इसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो सिंध बलोचस्तान और खैबर पखतनखवा का अहम एतराज़ है वो ये है कि आई डी पीज़ जो कि दीगर इलाकों से आके उन इलाकों में फंस गए हैं यानी अंदरून ख़ाना जो हिजरत हुई है दहशतगर्दी के मामलों में और जो दीगर हवालों से सैलाब की वजह से या और दीगर हवालों से उसकी वजह से भी ये एतराज़ उठाया गया है कि ये थोड़ा सा इसमें कहीं लकनाज़ पाए जाते हैं जिनको दूर करने के लिए वज़ी ख़जाना ऐसे अखदार साहब कहते हैं कि जो भी सूबे सूबों के तहफा हैं उनको दूर किया जाए और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी इसको साफ़ शफ़ाफ़ बनाया जाए। अहम बात यह है, चीफ़ कमिश्नर मर्दुम शुमारी, वो ये कहते हैं कि आइंदा जो आम इंतजाबात होंगे, यानी 2018 अगले साल जो इंतजाबात आम इंतजाबात इस मुमकिन मुनाकित किए जाएंगे, वो नई मर्दुम शुमारी की बुनियाद पर ही होंगे। एम ने एक एतराज़ उठाया है वो ये कहते हैं कि शहरी आबादी को कम करके हकूक़ गजब करने की कोशिश की जा रही है जिसको हर मुमकिन रोकने की कोशिश की जाएगी दूसरी जानब बलोच रहनम ने भी खदशात का जो इजहार किया है उनका ये कहना है कि जो अफगान महाजरीन है उनकी वजह से पठानों की तादाद ज़्यादा हो गई है और बलोचों की या पशतूनों की तादाद कुछ कम दिखाई जा सकती है दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलाल भुट्टो जुरदारी उनका यह कहना है कि उम्मीद है मर्दम गैर मुतनाज़ होगी और ये अमल साफ़ शफाफ तरीके से अंजाम पाएगा इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम अपना मौजूद गुफ्तू रखेंगे अपने मेहमानों को मैं आपसे तारफ़ कराता चलूँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं दीगर मेहमान हमारे साथ टेलीफ़ोन लाइन पर वक्ता फ़वकाता शामिल गुफगू होते रहेंगे हमारे साथ तजिया कार सैद सलमान अहमद साहब आज प्रोग्राम में मदु हैं सलमान साहब आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं थैंक यू सलमान साहब क्या समझते हैं छठी कौमी मरदम शुमारी मुल्क तिरसठ अजलाएँ हैं जिसमें पहले मरहले का आगाज हो गया है अब एक माह तक की पहला मरहला जारी रहेगा दूसरा मरहला फिर मजीद एक माह तक यानी मई के वस्त में ये तमाम अमल मुकम्मल हो जाएगा किस तरह से देख रहे हैं आप जमहूरी रियासत की जानब से एक अधूरा वादा था जो अब पूरा किया जा रहा है खुशाइन कदम है बहुत खुशाइन कदम है और मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट भारत मुस्लिम लीग नून को जाता है कि उन्नीस साल के एक तवील गैप के बाद जबकि आबादी जो हम तकरीरों में सुनते रहते हैं 20 करोड़ 19 करोड़ 22 करोड़ हर साल एक करोड़ का इजाफा हो रहा होता है तो अठारह उन्नीस साल पहले तो शायद इस पर दस करोड़ भी नहीं थी तो इस सूरत हाल में इसमें मैं समझता हूँ भारत ये काबिल सतयश क़दम है मुस्लिम लीग नून का कि उन्होंने इसको इनका वो कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वो सात खैरियत के करें इनशा और साथ साथ जो है आ, किसी भी तहफ़ात जो ग्रवियंसिस हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के पार्टीज के लोगों के क्योंकि ये एक टर्निंग होता है। अगले पाँच दस साल के लिए तमाम वसाइल जिसमें आपकी जॉब्स हैं आपके हेल्थ हैं आपकी एजुकेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर है सारे फैसले इसी मरदम शुमारी के तहत होते हैं वसा की तकसीम होती है, वसाइल की तकसीम है होती। और बहुत सारे मामला हैं जो इस आ, मतलब जो, जो जरूरी है जब मरदम शुमारी कराई जाएगी मालूम होगा कि हमारे खानदान में हमारे घर में इस मुल्क में इस कितने अफराद रहे सारी जी इसके ऊपर डिपेंड अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इससे पहले हमने देखा भी हुए आ, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुए आ, वरना पिछले आठ साल से ये भी यहाँ पे नहीं हो पा रहा था है। आ, उसके बाद फिर मरदमशुमारी के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया तो फिर तारीख में पहली मरतबा दो मरहलों में की जा रही है ये दो मरहलों में भी की जा रही है चलें ये तो एक टेक्निकल इसका एस्पेक्ट है लेकिन आवाम से भी मरदमशुमारी और खाना शुमारी के इस अमल में हिस्सा लेने की भरपूर तौर तो पर अपील की गई आप क्या समझते हैं हकूमत जिसकी ये जिम्मेदारी है कराना कि वो हर साल मरदमशुमारी कराए खाना शुमारी कराए मालूम हो कि कितने अफराद रहते हैं हमारे मुल्क में ताकि बजट की या वसायल की सही तौर पर तकसीम हो सके <coughs> अब नतज मरदम के और जसाइल हैं इनको तमाम शूबों में बराबर तकसीम करने की भी जिम्मेदारी हकूमत पर आयद होती है ये काम पूरा करेगी हुकूमत देखिए जमहूरीत के दावे करे जाते हैं सही और मैं समझता हूँ जमहूरीत की अगर हम डिटेल में जाएँ तो ये बुनियादी ज़रूरत में से एक ज़रूरत है जो बदकस्मती से हम सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर कर रहे हैं क्योंकि आधे काम सुप्रीम कोर्ट और आधे काम फ़ौज कराती है सही तो यह हमारी बदकस्मती है भारत एक चीज़ होने जा रही है तो अब यह है कि तवज़ उसके फेयर होने पर होनी चाहिए जिसमें जो तहफात हैं जो शिक शकूक हैं हुँ. उसको एड्रेस करना चाहिए वरना मैं समझता हूँ अगर ये नहीं हुआ तो ये एक बहुत बड़ा एक ज़्यादती होगी और नाानसाफ़ी होगी और मैं समझता हूँ कि जमहूरीत पर फिर शकूक व शुभात अच्छा यहाँ पे एक हमारे यहाँ जैसे पहले कहा जाता था कि जी जाली शनाख्ती कार्ड भी बन जाते हैं और ये शनाख्ती कार्ड बनाने का जो मरहला था या जो ये अमल था ये अब शफाफ बनाया गया जब से नादरा प्लेस आई और ये सारा मामला कंप्यूटराइज हो गया अब जब सारी चीज़ें कम्प्यूटराइज हैं हमारे पास डेटा मौजूद है इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता था इस बेसिस पे बजटिंग नहीं की जा सकती थी इस बेसिस पे पॉपुलेशन का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था जो ये मर्दमशुमारी कराना भी जरूरी है नहीं जनाब आपकी बात कहते ही दुरुस्त है और मैं समझता हूँ कि इस बेसिस पे एक जितनी भी कंप्यूटराइज सिस्टम को यूज़ करते हैं और जो नादरा बनाया गया अरबों रुपये खर्च करके और आ, आ, वो शायद इसी चीज़ों को मद्द रख के ये चीज़ें बनाई जाती हैं कि आपका जो डेटा है वो सेफ हो और फौरी वक्त पे जो है उसकी मुकम्मल सही तफसील सामने आ सके सही। लेकिन बहरहाल उसको इस्तेमाल अगर नहीं करा जा रहा है तो मैं समझता हूँ ये अगेन ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ वो है इसके अलावा कुछ और अगर आप इजाज़त दें जी। तो कुछ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ इलेक्शन ईयर है और हल्का बंदियाँ खास तौर पर कराची में हमेशा से एक इशू रहा है सही। आ, पहली बात ये मेक श्योर sure होनी चाहिए कि इसी सेंसस की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ हो यह ना हो कि ये बहाना हो जाए कि टाइम नहीं मिला और पुरानी हल्का बंदियों पर हम जा रहे हैं ये ज़्यादा होगी सही सही दूसरी चीज़ इस वक्त जो कराची का जो हदूद अरबा है रेवन्यू के लिहाज से तो अब जो आपका जो कलेक्शन है हाईवे पर रेवेन्यू कलेक्शन वो बढ़ा दिया गया है उसमें बहरिया टाउन भी शामिल तो मेरी गुजारिश है कि इसी तरीके से सेंसस के मौके पर भी कराची का हदूद अरबा उसमें मलिर और ये तमाम आबादियों को शामिल करना चाहिए जिस तरीके से लाहौर के करीब जो जितनी नई आबादी आबादियाँ वो वहाँ शामिल की जा रही हैं जो हमने सुना तो ये तमाम आबादियाँ कराची का हिस्सा है क्योंकि ये कराची से ही तमाम रोज़गार तमाम वसाइल कराची के ही इस्तेमाल तो कराची करती के है। नाम पे ही नाम पर है मलिर को ये ना हो कि किसी दूसरे इलाके के साथ या उसके अगर जोड़ गए तो ये भी मैं समझ तो कराची के साथ एक ख़ास तौर पे जो है वो ज्यादती होगी सही उसके साथ साथ जो है कराची में पोलिटिकल रिप्रजेंटेशन नहीं है मुख्ति वजूहत की वह अलहद टॉपिक है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है किसी भी ज्यादती की सूरत में शिकायत एक आम आदमी के बस में नहीं होता कि वो तौर पर उस सूरत में जब चार पाँच मिलिट्री के लोग के साथ एक बंदा आ रहा है उससे वो बहस कर सके बात कर सके तो ये गैप पूरा करती हैं पोलिटिकल रिप्रजेंटेटिवस जो कराची में नहीं है मैं समझता हूँ आ, ये एक ज्यादी है और इस पर इसका कोई सदबाब होना चाहिए साथ साथ आ, 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 मैंने उसमें कॉलम्स देखे हैं उर्दू कराची सिंधी पठान बलोची अब लाहौर में या पिंडी में या फैसला में तो एट्टी नाइन्टी परसेंट एक ही ज़बान बोलने वाले होंगे लेकिन कराची में तो जनाब लाता लोग मल्टी एथनिक सोसाइटी तो इस सूरत में ये डिवीज़न क्यों है ये सिर्फ पाकिस्तानी होना चाहिए था आई डों ये इस पर आ, कुछ शक जाता है कौमियत की बुनियाद कौमियत की बुनियाद इसका बुन्याद नुकसान पे? सिर्फ कराची को है अब पूरे पाकिस्तान के अगर आप डनामिक्स देखते हैं किसी भी शहर को ले लें तो या हैदराबाद और कराची इसके अलावा आप किसी भी शहर को लेंगे तो वहाँ पे 80-90 परसेंट एक लैंग्वेज बोलने वाले हैं तो वो तो जनाब एक बड़ी अक्सरियत में वाज तौर पे नज़र आ जाएंगे लेकिन यहाँ पे कराची में थोड़ा सा मसला दूसरा है तीसरी चीज़ चौथी चीज़ ये कि जो लोग भी यहाँ रहते हैं कराची में पाँच दस साल से यहाँ कमाते हैं यहाँ का वसाइल को यूज करते हैं यहाँ की सड़कों को यूज करते हैं यहाँ की बिजली को यूज करते हैं उनका इंदराज कराची में ही होना चाहिए ना हो कि वो अपने गांव जाके इंदराज करें सही ये भी ज्यादा होगी सही है। तो ये कुछ शुकु को शुबात है जो मैं समझता हूँ कि और जो आ, वोटिंग के हवाले से भी कहा जाता है कि जी वोट डालने के लिए आप अपने ही हल्के में जहाँ की आपकी इंदराज हुआ हुआ है वहीं आप जाके वोट डाल सकते हैं ना कि आप जहाँ पे आके रह रहे हैं वहाँ पे <coughs> वोट डाल सकते ये, 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 ये सारी बातें लिंक करती हैं ये सारी बातें लिंक करती हैं और वसाइल की तकसीम जो फायदा वहाँ हो जाएगा वसाइल यहाँ के यूज़ हो रहे हैं भाई ये हो क्यों रही है वसाइल की तकसीम करी जाए अब कुछ लोग वो जो यहाँ वसाइल यहाँ के यूज़ कर रहे हैं इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं जगह हाँ। और फ़ायदा दे रहे हैं वो अपने गाँव को सही ज्यादा इन इनको चीज़ इन चीज़ों को सही आ, यानी सही तरह से इनका इंदराज होना चाहिए इनको सही आ, आ, मतलब इनके इंदराज करके और फिर सही तरह से तकसीम करना चाहिए अच्छा कराची के बारे में एक और भी था कि जो वो ब्लॉक्स में भी तकसीम करना और जो जिस तरह से मरदम शुमारी के लिए दो सर्कल्स और फिर तीन चार्जेज़ और फिर चौदह ब्लॉक्स में तकसीम किया गया इस से एम के एम भी तहफ़ात हैं और दीज़ जमातों की या हलकों की जाने से तहफ़ात सामने आए हैं कि जी ब्लास में तकसम करना कुछ ऐसा है कि एक हज़ार गज़ के प्लॉट पे अगर एक फ्लैट खड़ा हुआ है और उसमें सौ फ्लैट्स हैं तो उसको एक ब्लॉक माना जा रहा है विच इज़ रॉन्ग विच इज़ टोटली रॉन्ग आप देखें कराची में तो अब कसीरुल कसीरमजला इमारतों की आप देखें आ, एक तादाद है जी. एक बहुत बड़ी आबादी जो है हमारा जो पुराना शहर है वो तो टोटल कसरुलमंजिला आबादी पर वंस अगेन रॉन्ग और मैं समझता हूँ ये एड्रेस होना चाहिए हुँ. मैंने कहा शुरू में कि जब तक पॉलिटिकल गैप है कोई आवाज़ बुलंद करने वाला और ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ करी जाती हैं सही महज एक फॉर्मेलिटी के तहत करेंगे तो इसका नुकसान अगले पाँच दस साल तक कराची के रहने वालों को होगा ठीक है कराची की अभी जो रिप्रेजेंटेशन जिस हद तक भी है वो है और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर भी हमारे साथ मौजूद हैं। एम एम पाकिस्तान के रहनमा हैं और कौमी अम्बली हैं अब्दुल वसीम साहब उनसे गुफ्तु कर लेते हैं वसीम साहब सलामकूम जी वैलकम वसीम साहब ये फरमाइएगा जो एम के एम के तहफात हैं वो तो हमने आज देखे भी हैं जो कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में या जो एक मुख्तल तरीक़ों से जो शिकायत दर्ज भी कराई गई हैं अब जो मरदम शुमारी के हवाले से जो ब्लॉक्स के बारे में जो तहफात एम के एम को हैं और जो रेज भी किए गए हैं आज शिकायतों में भी उनको देखा गया है लिखा हुआ था इन तहफा को दूर करने के बजाय मरदम का अमल करना आप क्या समझते हैं इस अमल को होने देना चाहिए और फिर बाद में जाके इसको एड्रेस कर लिया जाए या अभी एड्रेस करना जरूरी है देखिए आप सही कह रहे हैं कि जब तहफात आए तो उसको एड्रेस करना चाहिए और हमने ये पटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में डाली है कि जी कराची में माजी में 98 से लेके और 2017 तक जो मरदम शुमारी या मखाना शुमारी हुई थी उसमें जो है से पहले के अगर आप ग्राफ देखें तो उसमें तकरीबन शहरी आबादी जो है फोर्टी सेवन के करीब समझ लें कि थी हुँ. अब सत्रह में आके वो टू पॉइंट कुछ कम कर दी गई यानी फोर्टी फाइव या फोर्टी फाइव समथिंग जो है उसको कर दी गई है तो मुझे बताएं कि ये शहर जिसमें मुसलसल आमद लोगों की और तमाम सिंध के शहरों में देहातों से लोग मुसलसल आमद होती है शहरों में और वो फैल रहे होते हैं और फैल रहे हैं आपने देखा भी अच्छा अब बात ये आती है कि कम कैसे शो, शो किया जा रहा है तो और फिर यही चीजें देहात में आप चले जाए तो मैं एक कुंड की मिसाल दूंगा की वहाँ पर 400 सौ परसेंट आबादी शो कर दी गई और शहर कराची में सौ आबादी शो की गई है उसका इजाफा जो आबादी ये जो तो चीज है ये शक में डालती है की जो हेर फेर है असल में कराची का तो सेटेलाइट के जरिए भी नक्शा बन जाता है और उससे भी सेंसिस हो सकता है लेकिन यही हाँ। आबादियों में हो ही रहा है कि हाथ से बनाकर सारी चीजें चल रही है तो सारी चीजें गड़बड़ वहां पे और इससे पहले भी ऐसा होता रहा कि वहाँ गड़बड़ हुई और देही आबादी अच्छा कुछ इस तरह की भी कुछ इस तरह की भी शिकायत की गई है आज जो हमने देखा है जो शिकायत रेस की गई है जो तहफात का इजहार किया गया है उसमें पेंसिल का इस्तेमाल भी हो रहा था नहीं ये खैर मेरे इल में नहीं आया लेकिन हुआ यह है कि जैसे अब मैं अपने घर की मिसाल दूंगा कि मेरा घर फर्स्ट फ्लोर पे है नीचे कारोबारी यानी कमर्शियल वो है मतलब लोग ना एक तो सूटिलिटी स्टोर है एक वो है तो शीन मेरे घर पे तो डाल गए बाकी को उन्होंने शीन पे नहीं गिना अच्छा। तो टॉप्स भी हैं नीचे और कारोबारी हजरात भी वहाँ पर बैठते हैं तो उनको भी उन्हें गिना जाना है दुकान भी खोखा भी ये सब चीजें शीन में आएंगी किसी नंबर उस पर डलेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो ये शिकायतें जरूर आई हैं कि कुछ जगहों से वो अभी आपको क्या लगता है अदालतें जहाँ ये दरखास्तें जमा करवाई गई हैं तहफात अपने रेस किए गए हैं शिकायत की गई हैं अदालतें क्या इन शिकायत का इजाला करेंगी इनको दूर करने की कोशिश करेंगी या क्या होगा कुछ उम्मीद है कर, करना चाहिए अगर पाकिस्तान को पाकिस्तान की खत में चलाना है तो फिर वो तहफात जो मुसलसल चले आ रहे हैं पाकिस्तान में कि एक मखसूस तक हुक्मरानी कर रहा है और वो अपनी मर्जी से जो है सेंसिस भी बना रहा है अपनी मर्जी से लोगों की भर्तियां भी कर रहा है में अपनी मर्जी से जो है वो पाकिस्तान की मुख्तल चीजें जो है वो चला रहा है और उसमें करप्शन भी है उसमें बेरोजगारी भी है उसमें दीगर और डेवलपमेंट के मसाइल हैं वो सब चीजें हैं आपके सामने ना ये सब चीजें चल रही है तो किसी सिमत में लाने के लिए एक मेन जो इशू है वो है कि सेंसिस को मेरिट पर और सही बुनियादों पर किया जाए ताकि आबादी पता लग सके और वो जो बादशाह कायम है लोगों की के ये आ गया और फिर वही आ गया फिर वो आ गया फिर वो आ गया उसने उस पर इल्जाम लगाया उसने उस पर इल्जाम लगाया ये हुकूमत चलती आ रही है तो तमाम तबकात को इस हुकूमत में शामिल किया जाए ताकि मुल्क आगे चल सके इकनॉमी आगे बढ़ सके कराची जैसा शहर जो आज रक्षों पर चल रहा है उसकी इकनॉमी नहीं है उसमें पानी नहीं है उसमें सेवरेज के मसाइल हैं कूड़े के मसाइल आप देखें कि प्राइवेट आदमी आके कह रहा है कि मैं उठाऊंगा तो हुकूमत के पास अगर ये फैसिलिटी है तो हुकूमत कहाँ खड़ी है फिर अगर प्राइवेट लोग आकर कहें कचरा मैं उठाऊंगा तो ये वो मसाइल हैं जो बढ़ते जा रहे उद्रीम शिकायत है दो हजार तेरह के इलेक्शन के हवाले से भी मुख्तलि की जानब से या मुख्तलि की जानब से जो हारता है वो शिकायत तो करता ही है किसी न किसी तरह से दो हजार तेरह के इलेक्शन में भी शिकायत और ये खदशात सामने आए थे अब मरदमशुमारी के हवाले से भी शिकायत खात मुतना तो मैं तो जो बात कह रहा हूँ है, है? अगर मेरा रिकॉर्ड गलत है उसे गलत साबित कर दे और सही है तो उस पर जो है वो एक्शन होना चाहिए सही. मैं तो ये कह रहा हूँ मतलब मैं ये कह ही नहीं था की मैं गलत हूँ या सही हूँ या सामने वाला लामाला हर सियासी पार्टी अपनी एंगल ऐसी सोचती है और उसका इस्तेमाल करती है मैंने इस एंगल से सोचा और मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो माजी में होता रहा वो तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में दिया सुप्रीम कोर्ट का काम है कि उस पर करें ठीक है बहुत शुक्रिया धन्यवाद करना चाहूँगा आपका अब्दुलवसीम साहब हमारे साथ हम टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नाजन एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद हमने ये डिस्कस करना है इस पहले सेगमेंट में मुझसे गलती हुई थी मैंने ये कहा था कि आइन ने पाकिस्तान के तहत हर साल कराना लाजमी है हर दस साल बाद कराना लाजमी है हकूमतों के लिए मर्दमशुमारी कराना बहरहाल इसके हवाले से हम गुफ्तु करेंगे और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इस वक्त मुल्क में उसके उसको मद्देनजर रखते हुए इस वक्त पाक फ़ौज के जवान भी इन एहलकारों के साथ हैं जो मर्दम में और शुमारी के अमल में हिस्सा ले रहे हैं और पुलिस है पाक फ़ौज पाक बहरिया रेंजर्स ये सब सिक्योरिटी फरहम कर रहे हैं इसका कहाँ तक आ, हम आ, पॉजिटिव आ, एस्पेक्ट देखेंगे इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपको कहेंगे प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद और ब्रेक के बाद भी हम उसी मौजू पे आज गुफ्तू कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में जो ज शुमारी और खाना शुमारी का अमल इस मुल्क में 19 साल बाद बिल आखिर दोबारा से शुरू हो चुका है आ, ये बताइएगा अभी जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सियासी जमातों ने जो तहफ़ात का इजहार किया है और अदालत ने भी दरख्वासें जमा कराई हैं आपको क्या लगता है अदालतें इन तहफात को या शिकायात को दूर करने में मदद करेंगी इसका जवाब इस तरह से मैं दे दूँगा कि अदालतें जो ऑलरेडी अकोपाइड हैं मुख्तलफ़ वसायल की कमी का शिकार है जो हम सुनते रहे जी और बहुत से मसाल तो लिहाजा ये इस साल तो मुमकिन नहीं होगा अगली सेंसस से पहले शायद कुछ सुनवाई हो जाए जो दस साल या पंद्रह साल बाद हो तो हो तो मैं समझता हूँ कि ये एक दिल की तसली को ख्याल अच्छा है सही वाली बात है तो इसमें क्योंकि इस ये इस तो शॉर्टेस्ट टाइम इसी साल शायद हो रही है इलेक्शन ईयर भी है तो बहरल यही करा जा सकता है और क्या करा जा सकता है सही आपको क्या लगता है अगले जो इंतबात हैं उसके बारे में भी जैसे शुमारियात की जानब से भी आ, कहा गया है और मर्दम शुमारी के भी जो चीफ कमिश्नर हैं उन्होंने भी ये कहा है कि आइंदा आम इंतबात जो होंगे वो नई मरदम शुमारी की बुनियाद पर होंगे तो ये एक अच्छा आ, ऐसा होना चाहिए खास होना चाहिए खास तौर पर कराची के लिए कि यहाँ पे इस चीज़ का इशू हमेशा से उठता रहा है और तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने हमेशा पिछले इलेक्शन में भी उससे कबल भी इस बात की शिकायत की है सही। और अगर ये ये कहकर इस बात को करा गया कि जनाब टाइम नहीं मिला हल्का बंदी का और पुरानी पर हम जाएंगे तो ये बड़ी ज़्यादती होगी कराची के साथ एक और ज़्याद्ती हो जाएगी और इस पर मैं समझता हूँ कुछ भी हो इसी के तहत होने चाहिए भले थोड़ा सा टाइम इलेक्शन का आगे बढ़ना पड़े कराची को और कराची को अगर मैं समझता हूँ कि ट्रीट करा जाए बेहतर है क्योंकि दुनिया का एक दूसरे या तीसरे नंबर का बड़ा शहर है और इसकी आबादी के बराबर तो शायद पचास मुल्क हैं दुनिया में जो इससे कम आबादी ये इतना बड़ा शहर है और इसको तो शायद पूरा एक सूबा भी बन जाए तो कम है तो मैं समझता हूँ इसके जो मसाइल मरदम शुमारी से रिलेटेड हैं उसको अलहदा तनाजर में देख के इस्पेशली इसकोदा से टाइम देकर और सारी चीज़ें तैयार करके अलग-अलग से करने की ज़रूरत है सही और उससे बढ़ के भी जो एक चीज हम अभी तक डिस्कस नहीं कर पाए हैं कि सेवेंटी परसेंट रेवेन्यू इज़ जनरेटेड बाय कराची सही तो ये खाना शु, मर्दम शुमारी खाना शुमारी जो भी हो रही है आइंदा जो भी वसाइल हैं वो इसकी बुनियाद पर तकसीम करे जाएंगे लेकिन रेवेन्यू सेवेंटी परसेंट ये जनरेट करता है तो देखना फिर ये होगा कि रेवेन्यू तो बहुत बड़ा है लेकिन अगर खर्चा जो आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं तो फिर ये डाउटफुल बात है तो इतनी एकूरेट ये होनी चाहिए कि जायज़ हिस्सा कराची को मिले सही एक और भी मामला है जो रेज़ किया है सुबह सिंध ने भी रेज़ किया है बलोचिस्तान ने भी और खैबर पबूल ने भी उनका एतराज़ यह है कि जी आई डी पीज़ जो वो एक बड़ा मसला है और दूसरे इलाक़ों से चाहे वह दहशत गर्दी की वजह से या नेचुरल क्लामिटीज़ की वजह से वो दूसरे इलाकों में आके बसना शुरू हो गए लोग तो उनका भी काउंटिंग का मसला रहेगा इसाक डार साहब कहते हैं कि जी जो सूबों के तहफा हैं वो दूर करने की तो कोशिश करेंगे लेकिन आपको नहीं लगता कि अब ये गैर मुतनाज़ हो मर्दमशुमारी और इसके रिज़ल्ट सारे मुतफ़ हो जाएँ ऐसा शायद मुमकिन नहीं लग रहा है। लगता नहीं है इसलिए कि ये अपनी विल से तो कर नहीं रहे तो किसी के दबाव में आके कर रहे हैं और प्लस बहाना हमेशा से यही रहा है कि तैयारी मुकम्मल नहीं या मुख्तलिफ़ वजूहतें या मुख्तलफ कुछ हैं तो ये जो चीज़ें हैं ये, ये यकीनन इसमें टाइम और वसाइल की ज़रूरत है हम ये फ़ौज पाक फ़ौज के ताउन से चूँकि ये कंडक्ट करी जा रही है तो इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं कि जब हम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है सिविल गवर्नमेंट तो फिर वो चीज़ें करना आ, मुझे लगता है वो एक उन्होंने सियासी बयान दे दिया होगा मुश्किल लगता है सही है यानी सवालिया निशान पैदा हो रहे हैं और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उस हवाले से भी हमने गुफ्तु करनी है हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर भी मौजूद हैं मारू दफाई तज्जियाार हैं कर्नल रिटायर्ड फजल अब्बास साहब उनसे भी कुछ गुफ्तु कर लेते हैं कर्नल साहब सामक वाले कर्नल साहब ये फरमाइएगा अब खैर खुदा खुदा करके अब उन्नीस साल बाद खाना शुमारी और मरदम शुमारी इस मुल्क में हो रही है दो मरलों में हो रही है अब जो मरदम शुमारी करने वाले जो एहलकार हैं जो अफराद हैं जो मुख्तलिफ सरकारी महकमों से ताल्लुक रखते हैं उनके साथ साथ सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं और वो भी इस अमल में हिस्सा डाल रहे हैं सिक्योरिटी के फ़रज़ भी अंजाम दे रहे हैं और मरदम शुमारी के हवाले से भी उनका एक हिस्सा है आप क्या समझते हैं जो एक ख़ास तौर पर पाक फ़ौज को जो खसूस अदालती इख्तियार दिए गए हैं ताकि फौरी इंसाफ भी फराम किया जा सके अगर कोई शिकायत हो तो वो भी दूर की जा सके अब दहशत गर्दी के जो खतरा है दहशत गर्दी का खतरा है उसके तनाजर में ये इख्तियार देना आप क्या समझते हैं दुरुस्त फैसला है इख्तियार दिए गए हैं ताकि अगर कोई शिकायत हो तो आ, फौरी उसको दूर किया जा सके फौरी इंसाफ भी फ्राहम किया जा सके मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत हम एक अहम मरल से गुजर रहे हैं मरदम शुमारी ये इट वॉज लॉन्ग ओवर ड्यू और यहाँ आप जैसा आपके पिछले प्रोग्रामों में काफी दफा जिक्र हुआ है कि लातादाद अफगान महाजरीन आए हैं 20-25 लाख की तादाद में और गैर कानूनी तौर पर यहाँ रह रहे हैं इसी तरह और बेशुमार गैर मुल्की लोग हैं जो इस मुल्क के वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन जब प्लानिंग का फेज आता है जहिर हुकूमत जब भी बंदी करती है तो उसमें सेंसर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सही। उसमें काफी इम्बैलेंस हुआ हुआ था और ये मौजूदा हुकूमत का मैं समझता हूँ बहुत अहम इकदाम है जो मरदम शुमारी हो रही है अब दूसरी तरफ आप आ जाए तो मुल्क के हालात आप देख रहे दहशतगर्दी की हम बहुत बुरी जद में हैं और ये एक इंटरनेशनल टेरिज्म है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं फौज का इसके अंदर बहुत अहम रोल है फौज सरहदों पे भी लड़ रही है इंडिया की जो दरंदा है उसका मुकाबला कर रही है दहशतगर्दी का भी फौज मुकाबला कर रही है पूरे पाकिस्तान में और अब मरदमशुमारी के अंदर भी फौज की एक बड़ी तादाद जो है वो इस अमल का हिस्सा है तो मैं समझता हूँ कि फौजी अदालतों को इख्तार देना बहुत जरूरी एक जुज है हर दस साल बाद मरदमशुमारी का अमल करना है अच्छा। मुल्क पे लेकिन ये हुआ नहीं फिर अब मजबूरन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर यह अमल हो रहा है आपको लगता है सियासी हुकूमतों की विल थी नहीं लेकिन मजबूरन ये कर रही है, है आप ये देखें अगर विल होती तो हर दस साल के बाद शुमारी होती आ, आप ये अंदाजा लगाएं कि हर हुकूमत आने वाली जो है वो मनसूबाबंदी करती है कि ये जो भी आ, मुल्क के वसायल हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी आबादी कितनी है तो आप कैसे उसको वो करेंगे अब सुप्रीम कोर्ट का ये मैं समझता हूँ कि फैसला जो है वो सुनहरी अल्फाज में लि, लिखा जाना चाहिए क्योंकि बहुत अहम उन्होंने फैसला दिया है हुँ. और हुकूमत की अगर ख्वाहिश होती तो वो उससे पहले ही कर लेते हुँ. अच्छा कराची में जो अभी अमल हुआ आज शुरू उसमें ये देखा गया है ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है वो ये देखा गया पुलिस भी है रेंजर्स भी है पाक बेरिया के पाक फौज के जवान भी शामिल हैं अब वो चार पांच अगर सिक्योरिटी ऑफिशल्स उसके साथ आ रहे हैं एहलकार आ रहे हैं तो एक सिचुएशन तो सिक्योरिटी की टेंस है उससे तो मेरे ख्याल से आंखें नहीं चुराई जा सकतीं कि कराची अभी भी वलनरेबल है सिक्योरिटी सिचुएशन टाइट सेकुरिट है बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कराची बहुत वलनरेबल है और आ, आ, हम देखें हम पुलिस को इल्जाम तो ठहराते हैं पुलिस को कि जी पुलिस इसमें नाकाम हो गई है लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमने पुलिस को क्या दिया है आपके हर प्रोग्राम में तकरीबन जहाँ पुलिस का जिक्र आता है मैं यही बात करता हूँ कि पुलिस की को रिफॉर्म किया जाए इनको इक्विप किया जाए जदीद हथियार दिए जाए इनको इनकी ट्रेनिंग हो इनका मोराल ऊपर किया जाए इनकी तनख्वाहें बढ़ें लेकिन हमारी पुलिस वही पुरानी सौ साल पुरानी वही रिवायती पुलिस है तो मैं समझता हूँ इसके साथ फौज को बीफ अप कर देना बहुत अहम और अच्छा इकदाम है क्योंकि हालिया दहशत गर्दी के तनाजर में देखा जाए तो काफी इम्कान है कि इस मरहले के दौरान जो हमारे दुश्मन है वो तो कोशिश करेंगे कि इसको करने के लिए और इससे नाजायज फायदा उठाने के लिए अच्छा ये उम्मीद की जा सकती है कर्नल साहब आप एज पाकिस्तानी क्या समझते हैं समझते हैं मुख्तल हल्कों की जानब से या जमातों की से जो का या इजहार किया जा रहा है या शिकायत की जा रही हैं मर्दम शुमारी गैर मुतनाज हो ये सब चाहते भी हैं क्या मुमकिन है ऐसा देखिए काफी उम्मीदें हैं हमें ये जो एक टीम बनाई गई है जिसमें पाकिस्तान फौज की भी नुमाइंदगी है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा उम्मीद की जा सकती है कि एक गैर तरीके से ये मरहला तय पाएगा सौ तो फीसद तो हम इसको नहीं कह सकते कि ईमानदार होगा लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फौज की मौजूदगी में इसको बिल्कुल शफाक होना चाहिए ठीक है यानी फौज की मौजूदगी में इलेक्शन हुए और उसके बाद फौज की मौजूदगी में यहाँ मरदमशुमारी भी हो रही है सुप्रीम कोर्ट ने बलदियाती इलेक्शन करवाए आ, वो सियासी हुकूमतों की कोई विल नहीं थी सुप्रीम कोर्ट ने ही इंटरविन किया तो अब मर्दम शुमारी के लिए भी उन्होंने कहा तो अब हो रही है तो खैर बहरहाल ये अब पाक फ़ौज के तावन के साथ ही सब कुछ हो रहा है कर्नल साहब बहुत शुक्रिया आपका आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे मैं आपसे जाते जाते ये जरूर पूछना चाहूँगा एक जेरे ख्याल से पहली इस खत्े में पहली मरदम शुमारी हुई थी हमारे पास जो अदादशुमार हैं जो फैक्ट्स हैं बरतानवी हुकूमत ने अठारह सौ इक्यासी में कराई थी और लास्ट जो हमने पाँचवीं मरदम शुमारी कराई थी जो पाकिस्तान की हुकूमत बनने के बाद वो फिर कोई उन्नीस सौ अठानवे में हुई थी और अब दो हज़ार सत्रह में हो रही है आपको क्या लगता है आ, किसी तरह से इस आ, आ, अमल को जो कहा ये गया था जो दावे किए जा रहे थे कि जी साफ़ और शफाफ बनाया जाएगा आपने भी जिस तरह से जिक्र किया कौमियतों का या जबान का ये जो खाने शामिल किए गए हैं इसको मरदम शुमारी को और खाना शुमारी को साफ़ शफाफ बनाने के लिए अमली तौर पर भी लोगों ने स्टेप्स लिए हैं जो स्टेक होल्डर हैं बाहिर जैसा कि लग रहा है कि एक फॉर्मेलिटी के तहत एक खानापुरी के तहत एक पॉलिटिकल गेन के लिए एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए आ, आ, ये सारी चीज़ें हो रही हैं अगर ऐसा हुआ तो बदकस्मती होगी जैसे आपने अभी एक पॉइंट बताया बड़ा सरप्राइजिंग है कि अंग्रेज़ों ने कराई थी और फिर एक हुई थी और अब ये है हाँ। तो ये बड़ा मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट हमारे लिए है और इतना अहम है और इसमें बदनीति का आंसर नज़र आता है यकीनन इसको मैं समझता हूँ के जितने भी जितना सही इसको कर सकते हैं करें वरना ये बड़ी ज्यादती होगी सही किसी एक खत्े के साथ सही मुल्क में जो अब अमल शुरू हुआ है मरदम शुमारी का और खाना शुमारी का इसके बारे में उम्मीद तो सब रखते हैं कि ये साफ़ शफाफ और सही तरीके से हो गैरमतनाज़ हो आ, लेकिन इसके बारे में खदशात और शिकायत भी सामने आ रही हैं और बहरहाल कोशिश सबकी यही होगी कि यह गैरमतनाज़ हो और सही फिक्र सामने आ जाए ताकि जो वसाइल की तकसीम है और जो दीगर मामला हैं और इंतर बात कराने के लिए पता चल सके कि हमारी आबादी कितनी है नारों में भी फिर सही इस्तेमाल करें ना फिर चौदह करोड़ सोलह करोड़ अठारह करोड़ या बीस करोड़ ना इस्तेमाल करें पता लग जाए एक फिगर कि ताकि नारों में भी अगर इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने लगाना है कि जी इतनी करोड़ आवाम के लिए हमने वसाइल तकसीम करने हैं और इनकी बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म करनी है और इनके मसाइल ख़त्म करने हैं तो फिर वो वादा भी सही फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस करता हुआ बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सलमान साहब आपका आज आप प्रोग्राम में आए नाजरीन अपना फीडबैक भी हमें हमारे ई एड्रेस पर ज़रूर भेजिएगा और आप सोशल मीडिया पर हमारी मौजूदगी देख सकते हैं दीगर फोरम्स पर भी हमारा प्रोग्राम अपलोड होता है आप जो पिछले प्रोग्राम्स हैं वो भी हमारे इन दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं सऊद जफ़र को और न्यूजीलैंड की टीम को दी इजाजत अपना बहुत ख्याल रखिएगा अदाने के बाद